नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के आने वाले एपिसोड के धमाकेदार प्रोमो की अपडेट के साथ हाजिर है हम आप सभी दर्शकों के सामने। आने वाले एपिसोड में अर्चना गौतम की वापसी होने वाली है। अर्चना गौतम वापस से आकर पूरी तरह से बैंग ऑन करने वाली है और प्रियंका चहर चौधरी और यहां पर सौंदर्य शर्मा सबसे ज्यादा खुश होते हुए नजर आएंगे दोस्तों अर्चना गौतम की वापसी से। तो वहीं यहां पर बताना चाहते हैं दोस्तों आपको कि टीना दत्ता को सबसे बड़ा झटका लगेगा। अब क्या है होगा खास आने वाले एपिसोड में, चलिए आपको बताते हैं दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में दोस्तों। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया दोस्तों तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। चलिए बताते हैं कि क्या क्या होने वाला है खास आने वाले एपिसोड में। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं दोस्तों अर्चना गौतम शो में वापस से आने वाली है। अर्चना गौतम शो में वापस से आएंगी और अर्चना गौतम को देखकर सौंदर्य शर्मा और प्रियंका चहर चौधरी जो हैं बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा दोस्तों। और साथ ही साथ अर्चना गौतम जैसे ही वापस आएंगी वैसे ही यहां पर सौंदर्य शर्मा और प्रियंका चहर चौधरी जो है भाग कर जाने वाले हैं। अर्चना गौतम को जो है वो गले लगाएंगे, ना सिर्फ अर्चना गौतम को गले लगाएंगे बल्कि अर्चना गौतम से मतलब बहुत ज्यादा अपने दिल की बात जो है वो कहने वाले हैं। जहां पर अर्चना गौतम ये कहते हुए नजर आएगी कि मैं तो कुछ दिनों के लिए मायके गई थी, ये बात जो है वो बोलते हुए नजर आएगी, और इसके बाद मैं वापस से आ गई हूं ये बात बोलते हुए नजर आएगी। अब अर्चना गौतम की वापसी के बाद कौन सबसे ज्यादा खुश है कौन सबसे ज्यादा खुश नहीं है, तो खुशी तो आपने देख लिया प्रोमो में ही देख लिया। अब कोई कौन खुश नहीं है तो आपको बताना चाहते हैं दोस्तों यहां पर कौन खुश नहीं है। टीना दत्ता जो है बिल्कुल भी खुश नहीं है अर्चना गौतम की वापसी से। अर्चना गौतम की वापसी से जो है वो टीना दत्ता बिल्कुल भी खुश नहीं है। टीना दत्ता को सबसे बड़ा झटका लगा है अर्चना की वापसी के बाद, और अर्चना को देखकर जो है टीना दत्ता के आंखों से लिटरली आंसू निकले हैं। और वहीं शिव ठाकरे, एमसी स्टैन और साजिद खान जो हैं बड़ा बवाल मचाते हुए नजर आएंगे अर्चना गौतम की वापसी से, और कहने वाले हैं बिग बॉस को कि आपने नाइंसाफी की, आप इस तरह से जो है किसी कंटेस्टेंट को जो है दोबारा से शो में वापस नहीं लेकर आ सकते, आप बहुत गलत कर रहे हो, उसने वायलेंस किया है तो आपको हटाना चाहिए, और ये बात जो है वो बोलते हुए नजर आएंगे दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पर बड़ा बवाल जो है वो मचने वाला है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो शेखर सुमन है उनका भी एक शो चलने वाला है, शेखर सुमन भी शो में अर्चना गौतम की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं आपको बताना चाहते हैं दोस्तों यहां पर फूट मतलब यहां पर पूरी तरह से सबसे ज्यादा रोने वाले हैं कोई कंटेस्टेंट, तो वो हैं शिव ठाकरे, क्योंकि शिव ठाकरे ने बहुत बड़ी गलती की है। अब शिव ठाकरे को एहसास हो चुका है अपनी गलती का, और अर्चना गौतम जो है पूरे पावर के साथ लौटी है तो उसका भी उन्हें एहसास हुआ है। तो ये बात जो है आप सभी दर्शकों के सामने जो है वो देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में। सो आने वाले एपिसोड की अपडेट जो है वो काफ़ी शानदार लग रही है दोस्तों। आने वाले एपिसोड को आप देखने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल क्विक टीवी न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया दोस्तों तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी।